मित्र आप सबको नवाचिस को मैं स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.8 पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक हमने कैसे इंटीग्रल पढ़े थे? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल मतलब जिसमें लिमिट नहीं दी गई हो यहाँ पर, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल किसको डिफाइन करते हैं फंक्शन में? जो डेफिनेट इंटीग्रल है जो यूनिक वैल्यू, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? यूनिक, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल इससे डिनोट होता है, वेयर ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल एंड बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? यूनिक वैल्यू है। और डिनोट किससे करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर यहाँ पर ए क्या है? लोअर लिमिट है और बी क्या है? अपर लिमिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ए को लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल और बी को क्या बोलेंगे? अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर एज द लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट का सम करके, या फिर उनका एंटी डेरिवेटिव करके, एफ का एंटी डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रल इंटरवल का, और उसमें क्या लगाएंगे? इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए से बी। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ एफ, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, इस तरीके से आएगा। सॉरी, अपर लिमिट पहले आएगी, लोअर लिमिट बाद में, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरीके से मतलब इसका डिफरेंस होगा। इसके केस है, हम आगे केस स्टडी करेंगे इनके। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम सम की तरह देखेंगे। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए से बी। कोई एफ हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये कैसे है कि क्लोज इंटरवल ए से बी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अज्यूम दैट ऑल द वैल्यू टेकन बाय द फंक्शन आर नॉन नेगेटिव, कि हम अज्यूम कर रहे हैं जो इसकी वैल्यूज आएगी जो हम लेंगे वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज ए कर्व अबाउ द एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कैसा होगा? अबाउ एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। जब हमारे पास पॉजिटिव टर्म होगी तो पॉजिटिव टर्म होगी तो इधर की तरफ ग्राफ बनेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉजिटिव बोलिए वैल्यूज तो इधर की तरफ बनेंगे, नहीं अबाउ एक्स एक्सिस। द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इस ये क्या कर रहा है? जो कर्व हैगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स उसका पूरा एरिया डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स किस क्या है इसके? x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे, ठीक है, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम है हमारे पास, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, उधर की तरफ बना लेते हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन O, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ये हमारा R पॉइंट, ये S पॉइंट, ठीक है। तो P R S Q P, ठीक है, ये पूरा एरिया हम इस इंटीग्रल के इंटीग्रल से डिफाइन करेंगे इसका एरिया। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x इज इक्वल टू ए और बी, ठीक है।
आगे देखते हैं। डिवाइड द इंटरवल, जो ये ए से बी है, ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए से बी, इसको हम क्या कर रहे हैं, एन इक्वल सब इंटरवल्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं। और डिनोट कैसे करेंगे, ए को हमने क्या ले लिया, एक्स नोट कंसीडर कर लिया, ए को हमने एक्स नोट कंसीडर कर लिया, ठीक है, और बी को हमने एक्स एन कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स नोट से एक्स वन से एक्स टू, ठीक है, यानी एक्स नोट एक्स वन क्लोज इंटरवल, एक्स वन एक्स टू क्लोज इंटरवल, सो ऑन एक्स आर माइनस वन एक्स आर क्लोज इंटरवल, सो ऑन एक्स एन माइनस वन एक्स एन क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा वेयर एक्स नोट इज इक्वल टू ए, एक्स नोट किसके इक्वल है ए के, एक्स वन किसके इक्वल है ए प्लस एच, एक्स टू किसके इक्वल है ए प्लस टू एच, सो ऑन करके चलेंगे तो एक्स एन किसके इक्वल आएगा बी के इक्वल, और बी किसके इक्वल हो जाएगा फिर ए प्लस एन एच, ठीक है। यहां से एन की वैल्यू क्या आएगी, ये किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच, ठीक है। तो एक इधर को लिया, ए को इधर लिया, तो क्या आएगा एन एच, एन की वैल्यू क्या आएगी, बी माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है, ये एन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब व्हेन एन इज इक्वल टू इंफिनिटी, व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जब एन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी तो एच कैसे होगा, जीरो, एच जब जीरो होगा तभी तो इन्फिनिटी आएगा, वन अपॉन में जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजन, ये वाई एक्सिस, ये हमारा पी पॉइंट, ये क्या हो, ये आर पॉइंट, ये एस पॉइंट, ये ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये एम पॉइंट, ये डी, ये एल, ये सी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू है एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ये बी इज इक्वल टू एक्स एन, बी इज इक्वल टू एक्स एन, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। तो अब देखेंगे द रीजन पी आर एस क्यू पी, तो पी आर एस क्यू पी इस रीजन में देखेंगे तो कंसीडर कर रहे हैं, जो सम कर रहे हैं एन सब रीजंस का, ये एन सब रीजंस में डिवाइड किया, इसको एन टर्म्स में डिवाइड कर दिया। तो जब इसमें सब इंटरवल ले रहे हैं हम एक्स आर माइनस वन, यानी कि ये वाला सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन और एक्स आर क्लोज इंटरवल, ये वाला इंटरवल ले रहे हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे डिवाइड करेंगे, वन टू थ्री सो ऑन है, जब इसमें वन पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स नॉट और एक्स वन, टू पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स वन एक्स टू, ठीक है। तो ये जनरल हमने ले लिया एक्स आर माइनस वन और एक्स आर सब इंटरवल। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ए बी एल सी, यानी ए बी एल सी, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एरिया ऑफ रीजन ए बी डी सी ए, यानी ए बी डी सी ए, ठीक है, इससे लेस देन होगा, और ये किससे लेस देन होगा, ए बी डी एम, ठीक है। तो जो एक्स आर माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, और कब करेगा, यानी एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो की तरफ लाई करेगी। तो जो ये थ्री एरियाज हो रहे हैं इसमें फिगर में, इस वाले में ये एक एरिया, ये दूसरा एरिया और ये तीसरा एरिया, तो ये तीन एरिया इसमें शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नियरली इक्वल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब हम देखते हैं एस एन, जो सम का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच कॉमन है बाहर लिख दो, ठीक है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन, क्योंकि
लास्ट में क्या है n माइनस वन और शुरू में क्या है जीरो, तो जीरो से n माइनस वन लिख दिया ऑफ एफ ऑफ एक्स आर, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो वन टू सो n माइनस वन, तो इसको हमने जनरली लिख दिया ठीक है। और एस एन जब h एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू प्लस सोन एफ ऑफ एक्स एन आएगा, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ r वन की जगह जीरो की जगह वन लिख देंगे और एन माइनस वन की जगह एन लिख देंगे ठीक है। आगे देखते हैं, हेयर एस एन एंड एस एन डिनोट, जो स्मॉल एस एन था वो किसको डिनोट कर रहा था, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन एफ ओ एक्स आर, और कैपिटल एस एन किसको डिनोट कर रहा है, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन से इंफिनिटी एफ ओ एक्स आर। ठीक है, तो जो ये एरिया है सम, जो सम है वो क्या है, एरिया ऑफ लोअर रेक्टेंगल एंड अपर रेक्टेंगल, जो ये एरिया है यानी एस एन और कैपिटल एस एन, ये क्या है लोअर रेक्टेंगल और अपर रेक्टेंगल के सब इंटरवल्स को शो कर रहा है एरिया। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है वन टू थ्री सो ऑन है ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें देखेंगे जो सब इंटरवल्स है क्या है एक्स आर माइनस वन और एक्स आर ठीक है, तो यानी एस एन स्मॉल एस एन हो जाएगा वो, ये स्मॉल एस एन किसके इक्वल हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एल सी किसके हो गया इक्वल हो गया एस एन, तो यहां पर स्मॉल एस एन पुट कर देंगे, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी एम किसको डिनोट कर रहा है कैपिटल एस एन को, तो यहां फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आएगा स्मॉल एस एन लेस देन एरिया ऑफ रीजन पी आर एस के ऑफ पी विच इज लेस देन एस एन ठीक है। और n किस तरफ टेंड कर रहा है इंफिनिटी की तरफ ठीक है। अब हम अज्यूम कर रहे हैं जो इक्वेशन टू आई थी, इक्वेशन टू क्या थी हमारी, ये स्मॉल एस एन की वैल्यू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू जीरो से n माइनस वन एफ ऑफ एक्स आर, ये हमारी इक्वेशन टू थी और ये हमारी इक्वेशन थ्री थी ठीक है। अब इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि जो लिमिट है इनमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगी सेम होगी दोनों केस में ठीक है। तो हम देखेंगे जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कैपिटल एस एन में लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx, और स्मॉल में भी करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो वो भी इसके इक्वल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन थी।
ठीक है। अब इसको दोबारा लिखेंगे, दोबारा कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f of x dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू इनफिनिटी, सॉरी h टेंड्स टू जीरो h f of a प्लस f of a प्लस h प्लस सो ऑन f of a प्लस n माइनस वन h। ये कैसे लिखी हमारी जो एक स्मॉल n के लिए थी, तो क्या थी f of x नोट, तो x नोट को हमने क्या लिखा था a, तो ये क्या हो जाएगी f of a, और लास्ट में हमने क्या लिखा था f of a r माइनस n माइनस वन, ठीक है। तो a n माइनस वन को हमने क्या लिखा था, a n माइनस वन को a प्लस n माइनस वन h, ठीक है। एन को हम क्या लिख देते हैं, ए इज प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये इक्वेशन आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, बी माइनस ए अपॉन में एन, ये हमारे h की वैल्यू थी। तो यहां पर इस h की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, b माइनस ए अपॉन में h। b माइनस ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ गया लिमिट n टेंड टू इनफिनिटी 1 बाय n f of a प्लस f of a प्लस h प्लस सोन f of a प्लस n माइनस वन h, ठीक है। अब यहां पर बोल रखा है n टेंड टू इनफिनिटी, n टेंड टू इनफिनिटी यानी n इसके इक्वल्स है, तो n जब इनफिनिटी होगा तो क्या होगा, b माइनस ए अपॉन में h किसके को लाएगा, इन्फिनिटी के, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, b माइनस a अपॉन में n, यानी n इन्फिनिटी है b माइनस a, तो इन्फिनिटी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस तरफ जाएगा, जीरो की तरफ। तो हम लिख सकते हैं as n tends to infinity h tends to जीरो, ठीक है। तो जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, ठीक है, इसको कैसे क्या कहते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हम देख इसमें इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय टी और यू, जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी जो ये एफ ऑफ एक्स लेते हैं हम, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसको क्या तो हम t भी ले सकते हैं, u भी ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे t लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f of t dt, u लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f of u du। तो इसको क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, डमी वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एज द लिमिट ऑफ दिस सम, ठीक है। लिमिट ऑफ सम के यूज करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट n tends to infinity 1 by n f of a plus f of a plus h plus so on f of a plus n minus 1 h, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो गया। अब अप्लाई करेंगे तो कंपेयर करेंगे इससे पहले इंटीग्रल को, ठीक है। इंटीग्रल क्या है हमारे पास, जीरो से टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई, जीरो, बी की वैल्यू क्या आएगी, टू, और एफ ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और h क्या होता है हमारा, b माइनस a अपॉन में
n, तो पुट कर देंगे b की वैल्यू क्या है 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 0 अपॉन में n, तो क्या आएगा 2 अपॉन में n, ठीक है। अब हम इसको साइड में लिख लेते हैं, h की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में n, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b माइनस a यानी कि 2 माइनस 0, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में n f of a यानी कि f ऑफ 0 प्लस f ऑफ a प्लस h यानी 0 प्लस h की वैल्यू क्या थी 2 अपॉन में n प्लस सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 इनटू में 2 अपॉन में n, ठीक है। अभी किसकी इक्वल आएगी 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में n f ऑफ 0 क्या होगा हमारा फंक्शन में 0 पुट करेंगे f ऑफ 0, तो यहां पर x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 यानी 1, तो 1 आ गया। प्लस f ऑफ 2 बाय n, x की जगह पे हम f ऑफ x की जगह पे हम क्या कर देते हैं 2 बाय n रख देते हैं, 2 बाय n रखेंगे तो क्या आएगा 2 बाय n का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं यहां पर तो क्या आएगा 2 अपॉन में n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 4 स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस सो ऑन, इसका करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1 का स्क्वायर इनटू में 2 का स्क्वायर, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते 2 n माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 n माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आ गया, आगे देखते हैं। टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाय n, अब देखो सब में 1 कॉमन है, वन यहां भी है यहां भी है यहां भी है और इधर भी है, तो ये टर्म कहां तक थी हमारी n टर्म थी, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस सो ऑन प्लस 1, या नीचे लिख देंगे n टर्म्स, ठीक है। ये आ गया प्लस 1 बाय, अब इस 1 बाय को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये क्या है 2 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो यहां पर सब में क्या है n स्क्वायर कॉमन है, तो इसको ले लेंगे 1 बाय n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2 n माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको क्या लिख देंगे 2 एज इट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन में n, तो ये 1 टर्म्स को n n बार ऐड करेंगे, जैसे हमने लिख दिया 1 प्लस 1 यानी कि ये 2 टाइम है, तो ये किसके इक्वल आता है 2 के, तो n टाइम है हमारे पास, तो किसके इक्वल आएगा ये n के इक्वल, तो यहां लिख देंगे n प्लस 1 बाय n स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे हम 2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर,
ये आया। अब इसको कैसे लिख देंगे हम, टू लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, एन टू का स्क्वायर यानी फोर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। अब ये इस क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू में एन इंटू में टू एन माइनस वन अपॉन में सिक्स, ठीक है। ये होगी यानी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सो ऑन एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन माइनस वन एन टू एन माइनस वन अपॉन में सिक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या आएगा, टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन में एन इंटू में एन प्लस टू अपॉन में थ्री एन स्क्वायर, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके इसके साथ, टू एन क्यूब माइनस टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन में एन एन प्लस टू अपॉन में थ्री एन स्क्वायर, सब डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, टू एन माइनस थ्री प्लस वन अपॉन में एन, ठीक है। ये आया हमारे पास, या फिर इसको हम यहीं पर भी डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां पर ही सीधा एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो क्या आता हमारे पास, टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यहीं से चल करते हैं, टू लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, वन अपॉन में एन को अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा, वन प्लस टू बाय थ्री टू माइनस थ्री अपॉन में एन प्लस वन अपॉन में एन स्क्वायर, यह है। अब इसमें क्या करेंगे, एन टेंस टू इंफिनिटी जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, टू वन प्लस टू अपॉन में थ्री इंटू में टू माइनस थ्री अपॉन में इंफिनिटी प्लस वन अपॉन में इंफिनिटी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आया, टू वन प्लस टू बाय थ्री टू, ये क्या हो जाएगी बाकी की टर्म जीरो, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, टू इंटू में वन प्लस फोर अपॉन में थ्री, ये किसके इक्वल आया, टू इंटू में सेवन अपॉन में थ्री, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्टीन अपॉन में थ्री के इक्वल आया, ठीक है। ये इसका आंसर था। आगे देखते हैं, आगे वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू ई की पावर एक्स डीएक्स एज द लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम जो फॉर्मूला था उसकी तरह सोल्व करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी वन अपॉन में एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस सोन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। ये
फॉर्मूला था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स, ए की वैल्यू क्या आई हमारी जीरो, बी की वैल्यू क्या आई हमारी टू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही, फॉर्मूला क्या है इसका, बी माइनस ए अपॉन में एन, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, बी की वैल्यू क्या है टू, टू माइनस ए की वैल्यू क्या जीरो अपॉन में एन, यानी टू अपॉन में एन, बी एच की वैल्यू आ गई, तो हम लिख लेते हैं एच क्या हमारा टू अपॉन में एन, ए क्या हमारा जीरो और बी क्या हमारा टू, और एफ ऑफ एक्स क्या है ई की पावर एक्स। ठीक है, यहां पर जब हम एफ जीरो लगाए पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में जीरो, तो क्या है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जीरो यानी वन, एफ ऑफ जीरो यानी ए प्लस एच यानी जीरो प्लस एच, तो क्या आएगा एफ ऑफ एच यानी ई की पावर एच। इसी तरह हम एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन के लिए लिखेंगे एफ ऑफ जीरो प्लस एन माइनस वन एच यानी एफ ऑफ एन माइनस वन एच इज इक्वल टू ई की पावर एच की जगह पुट कर दे टू अपॉन में एन, तो क्या आएगा टू अपॉन में एन यानी ई की पावर टू एन माइनस टू अपॉन में एन। यहां भी एफ ऑफ एच की जगह पर ई की पावर एच है, यहां पर एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो ई की पावर टू अपॉन में एन आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी ई की पावर एक्स डी एक्स, ए और बी की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास जीरो से टू। ठीक है, पुट करेंगे तो क्या आएगा बी माइनस ए यानी टू, टू माइनस जीरो यानी टू आएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन में एन एफ ऑफ ए यानी क्या आएगा एफ ऑफ जीरो ई की पावर जीरो प्लस e की पावर टू अपॉन में एन प्लस e की पावर फोर अपॉन में एन प्लस सो ऑन प्लस e की पावर टू एन माइनस टू अपॉन में एन दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कौन सी सीरीज बन गई हमारी, जीपी सीरीज बन गई, जीपी सीरीज। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आएगी, स्कोर सॉल्व कर लेते हैं, टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन अपॉन में एन ई की पावर जीरो यानी वन प्लस ई की पावर टू अपॉन में एन प्लस ई की पावर फोर अपॉन में एन प्लस ऑन ई की पावर टू एन माइनस टू अपॉन में एन। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज बन गई हमारी, जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज बन गई तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन यानी फर्स्ट टर्म क्या हमारी वन, और आर क्या आ जाएगा, आर यानी कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकंड टर्म ए की पावर टू एन माइनस फर्स्ट टर्म तो वन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर जीरो। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास ए की पावर टू एन कॉमन पर आया, e की पावर टू एन अपॉन में वन क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस e की पावर टू एन। ठीक है, यानी r की वैल्यू क्या आ गई e की पावर टू एन। अब gp का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, gp का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e की पावर टू एन अपॉन में n माइनस वन अपॉन में e की पावर 2n माइनस वन यानी आर एन माइनस ए अपॉन ए की आर अपॉन में आर माइनस ए। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आएगा
e की पावर 2n अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 अपॉन में n माइनस 1। 1 कैसे है, a की पावर, a की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में n e की पावर 2 n अपॉन में n, ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 e की पावर 2 माइनस 1 ये आ जाएगा अपॉन में लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी e की पावर 2 अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जो अब 1 अपॉन में n था इसको यहां नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास, केवल 2 है तो ये 2 को भी हम इधर लिख देंगे, 2 अपॉन में n, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर n माइनस 1 अपॉन में, सॉरी e की पावर h माइनस 1 अपॉन में h हो तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो ये वाले टर्म किसके इक्वल आएगी हमारी, अब e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल। तो यहां 1 रख दे तो क्या आया, e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये क्या आया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। आज की एक्सरसाइज वहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।